अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू पेश करने लगा हूँ वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी पाकिस्तान की, और बहुत ही नगमाती और अच्छी स्टोरी थी, घरेलू स्टोरी थी, और ये फिल्म थी शबाब करानी साहब की दामन और चिंगारी। नाजरीन, इस फिल्म के जो राइटर और डायरेक्टर शबाब करानी साहब खुद थे, और इस फिल्म के जो मौसीकार थे अहमद शरफ साहब थे, नगमा नगार थे तस्लीम फाजली साहब, और इस फिल्म के जो सिंगर थे मेहदी हसन साहब और नूर जहाँ साहबा ने बहुत ही खूबसूरत गाने गाए थे, और माला साहबा का भी इसमें एक गाना था। और इस फिल्म की कास्ट में शामिल थे मोहम्मद अली, जेबा, नदीम, आलिया, असलम परेज, मुनव्वर ज़रीफ, लैश कश्मीरी, जरका वगैरह। जमाने की खुशियाँ, और मैं भी तो तुम्हारी याद में हर वक्त खोई रहा करती। मेरे ख्वाबों की कितनी खूबसूरत ताबीर, तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। नकली चेहरा सजा लिया, ऐसे बेवफाई की और एक बड़े मालदार आदमी से कहीं शादी कर ली। वादा किया था हमारे दिल से मत खेलो। नाजरीन, ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, नगमाती फिल्म थी। नाजरीन, इस फिल्म में अलाउद्दीन की बेटियां होती हैं जेबा और आलिया, और जो जेबा होती है वो बड़ी होती है बेटी, और आलिया इसकी बहन होती है जेबा की। जेबा लव करती है नदीम साहब के साथ। नदीम साहब के साथ बहुत अच्छे गाने हैं, नदीम साहब बड़े स्मार्ट आए हैं इसमें। और इसमें एक गाना हम दृष्टि साहब का भी है, बड़ी बड़ी आंखें मेरे दिल पे सितम ढाए। और फिर दूसरा गाना जब नदीम साहब बाहर चले जाते हैं, कहते कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो दूसरा गाना नूर जहाँ साहब ने गाया था, देश पर आए जाने वाले वादा करके जाना। कभी सांप मुकर जाए बड़ी बड़ी आंखें मेरे नीचे सितम ढाए, इस पर आए जाने वाले वादा करके जाना, एक हाथ देखोगे तुम्हारे हुए हैं तुम्हारे रहेंगे, मुझे खत देखोगे रोजाना। बस चले तो वो जमाने की खुशियां तुम्हारे ही। नजरीन, उसके बाद नदीम साहब जो बाहर चले जाते हैं, नाजरीन मुनव्वर ज़रीफ साहब का भी बहुत ही अच्छा काम है, बड़ी अच्छी कॉमेडी है। वो जरका के साथ लव करते हैं, जरका का वालिद जो होता है वो लैश कश्मीरी होता है, वो पहलवान होते हैं, वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ कुश्ती करो तब मैं बेटी का रिश्ता दूंगा। और इनका एक गाना भी है, मुख्तलिफ गाने अमर साहब ने और माला साहबा ने वो गाए हैं। तुम्हारे और मेरे ब्याह की ये शर्त रख दी है कि जब तक मैं उसका फ्री स्टाइल कुश्ती में मुकाबला करके उसको शिकस्त फास नहीं। मोजने से उखाड़ी होंगी, इसलिए मैंने ना मूछ रखी है ना दाढ़ी, अब क्या उखाड़ेंगे। अब्बा तेरा है दुश्मन मेरा, जहर दम मुझको मारे दिखाए दिल में तारे। जो आलिया होती है ये असलम परेज साहब के साथ लव करती है, जाती है क्लबों में, और मोहम्मद अली साहब की एंट्री होती है। मेरी अच्छी बाजी, बोर ना करो, मैं जानती हूँ तुम मुझे क्या टेंशन है। मैं किसी कीमत पर उसे अपने और इज्जत से खेलने की इजाजत नहीं दूंगा। मैंने अपनी मौत का हुक्म सुन लिया है। मोहम्मद अली तो यही देखता है कि जेबा आती है चाय लेके, और वो देखता है कि इसी के साथ शायद शादी हो मेरी। लेकिन वो छोटी होती है तो मोहम्मद अली को नहीं पता होता। और जिस टाइम बारात आती है तो असलम परेज आलिया को कहता है कि मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ, तो मुझे मिलने के लिए दुल्हन के रूप में आ जाना। दुल्हन के रूप में देखूं ताकि ये रूप जिंदगी भर मेरी आंखों में बसा रहे, उससे वादा करो कैसा। बारात आती है तो ये उसको मिलने के लिए जाती है, असलम परेज उसको ले जाता है, अगवा कर लेता, उसकी इज्जत लूट लेता है, और ये फिर घर नहीं आती। मैं रोते हुए नहीं देख सकता। बारात आती है, वो देखते हैं घर में तो है ही नहीं है, तो ये बहुत
परेशान हो जाते हैं इसके घर वाले, या फिर ज़ेबा को जो उसमें बिठा देते हैं, उसकी दुल्हन बना के ज़ेबा चली जाती है, दुल्हन बन के मोहम्मद अली साहब की, हालांकि वो आलिया ने जाना था उसकी बहन ने। इससे ज्यादा कीमती नहीं। वाह सर, मेरे ख्वाबों की कितनी खूबसूरत तबीर है, मैं कितना खुशकिस्मत। जिस टाइम नदीम साहब वापस आते हैं, वो वहाँ पे आते हैं ज़ेबा के घर, तो देखते हैं कि वो तो शादी हो गई है, और जो आलिया उसकी बहन होती है वो क्लब डांसर बन जाती है। असली चेहरे पर हमने भी नकली चेहरा सजा लिया। जो मोहम्मद अली साहब होते हैं उनका दोस्त होता है नदीम, तो मोहम्मद अली साहब घर में ले आते हैं उसको, और नदीम को ये आता है उनके घर में, तो ज़ेबा परेशान हो जाती है कि ये क्यों आता है। जैसे काफ़ी फिल्मों इस तरह की, शम मोहब्बत भी थी, आठ फिल्म भी थी, इसी तरह की ये भी स्टोरी थी, लेकिन इसी से बाद में सारी फिल्में ली गई थी। एक हादसे ने इसकी जिंदा दिली छीन ली। ये जिस लड़की से प्यार करता था उसने इससे बेवफाई की और एक बड़े मालदार आदमी से शादी कर ली, और उसके बाद नदीम उसके घर आता जाता है। उसका जिक्र ना करो, उसने जो कुछ किया है अच्छा ही किया है। अभी कुछ देर पहले तो तुम बुरा भला कह रहे, उस वक्त की बात कुछ और थी। ये वादा किया था मोहब्बत करेंगे। नाज़रीन, जितने भी खत ज़ेबा साहबा ने लिखे होते हैं नदीम को, वो नदीम संभाल के रखता है, वो फिर वो ले जाती है ज़ेबा। एक तस्वीर मुझे बना दीजिए। मदली साहब खत देख लेते हैं, बाद में वो बहुत परेशान होते हैं, वो नदीम के पास आते हैं, कहते हैं ये खत कौसर तुमसे प्यार करती थी, तो वो फिर ज़ेबा भी आ जाती है। नदीम कहता है कि इसने तुम्हारी बीवी ने पढ़ने के लिए मुझसे लिए थे कि तुम किससे प्यार करते थे, तो ये तो बड़ी शरारतें निकली है यार। तुम्हारी बीवी तो बहुत खतरनाक निकली, पहले तो ये खत मुझसे पढ़ने के लिए मांगती रही और फिर जब मैंने देने से इनकार कर दिया तो चुपके से चुरा कर ले गई। नदीम बात निकालता है तो कहता है कि ये मुझे दे दो, मैं फाड़ देता हूँ। नदीम वो खत फाड़ देता है सारे मोहम्मद अली के सामने। मोहम्मद अली कहता है कि तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, वरना मैं अपनी बीवी का सारा घर फाड़ देता तब। किसी बेवफा की निशानी अब अपने पास रखने से फायदा भी क्या है। बस यार तुम भी अजीब आदमी हो, खाम खाम मुझे परेशान कर दिया, अगर मैं अपनी बीवी का सर फाड़ देता तो। फिर एक बार नदीम उसे शिकवेकार आता है, मोहम्मद अली साहब घर पे नहीं होते लेकिन वो आ जाते हैं, ये अंदर होता है। नदीम ज़ेबा को कह रहा होता है कि तुमने मेरा इंतजार नहीं किया, शादी क्यों की है। वो कहती है कि मैं मजबूर थी, वो सारा कुछ बताती है। ये बहुत लंबी दास्तान है आर्य, मेरी तुमसे इतनी इल्तिजा है, खुदा के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ रहे तो मेरी जिंदगी में हलचल बची रहेगी। ज़ेबा कहती है कि मैं क्या करती, मेरी बहन घर से भाग गई थी तो फिर मुझे डोली में बिठाया। वो मोहम्मद अली साहब सुन लेते हैं नदीम की और ज़ेबा की बातें एक सीन में, तो उसके बाद वो बहुत ही अच्छा गाना है, मोहम्मद अली साहब का दिल टूट जाता है कि ये तो लव उसके साथ करती थी और शादी मेरे साथ इसने की है। तो वहाँ पे मोहम्मद अली साहब क्लब में जाते हैं, वहाँ पे एक गाना है मेहदी हसन साहब का, हमारे दिल से मत खेलो खिलौना टूट जाएगा, बहुत अच्छा फिल्म बंद करवाया। हमारे दिल से मत खेलो खिलौना टूट जाएगा। और वहाँ पर वो आलिया डांस कर रही होती है, फिर वो आलिया को ही पता चल जाता है कि मेरा बिनोई है, ये मेरी बहन का शोहर है, तो आलिया सब कुछ बता देती है कि मेरी बहन का कोई कसूर नहीं है, वो तो प्यार करती थी उससे नदीम से, शादी उसकी आपके साथ हो गई थी, हालांकि मेरी होनी थी, मैं शादी वाली रात चली गई थी घर से, तो ये ले आ गया असलम प्रेयर्स, इसने मेरी इज्जत लूट ली और मैं घर जाने के काबिल नहीं थी। मेरी बीवी जो प्यार किसी और से करती है रोजी, और मुझसे शादी करके अपनी वफा का धोखा दे रही। जरा सी ठेस पहुंचेगी ये शीशा टूट जाएगा। आप गलत कहते हैं,
आपकी बीवी कभी ऐसी नहीं हो सकती। जो असलम फेज होता है वो बहुत ही ब्लैकमेल करता है ज़ेबा को, ज़ेबा के पास आ जाता है, कहता है मैं तुम्हारे शौहर को सब कुछ बता दूंगा कि तुम उसके साथ प्यार करती थी, और जब उसको ये भी पता चलेगा कि तुम्हारी बहन हमारे क्लब में डांसर है और उसकी इज्जत भी चली गई है तो वो तुम्हें छोड़ देगा, वरना तुम मुझे 20,000 दो। मेरी जुबान से निकला हुआ एक लफ्ज तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। तुम्हारे शौहर को हकीकत मालूम हो गई तो वो तुमसे नफरत करने लग जाएगा। वो धमकी दे के चला जाता है कि ये मेरा कार्ड रखो और 20,000 मुझे देना। मत भूलो, मैं कैसर के मुतालिक तुम्हारे शौहर को सब कुछ बता सकता हूँ। इसकी भूल उसे कभी माफ नहीं करती, ये मेरी भूल का नतीजा है भाईजान। मोहम्मद अली गाड़ी चला रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि ये कितनी अच्छी है, इसने अपनी मोहब्बत कुर्बान की है और मुझसे शादी कर ली, ये एक्सीडेंट कर देता है। तुम मेरी खुशियों के कातिल हो, तुम दोस्त की मोहब्बत के कातिल हो, तुम बीवी की खुशियों के कातिल हो। फिर ये नदीम को कहता है कि तुम कैसे दोस्त हो, मुझे देखने के लिए ही नहीं आते। और फिर मोहम्मद अली का बहुत ही अच्छा काम है, पॉजिटिव किरदार है मोहम्मद अली साहब का, कि इसने कि ये तो मोहब्बत उससे करती थी ज़ेबा नदीम से। तो फिर एंड पे वो असलम प्रेज आ जाता है ज़ेबा को, कहते कि तुमने पैसे क्यों नहीं दिए अभी तक, मैं बता दूंगा तुम्हारे शोहर को। मोहम्मद अली भी ऊपर वहाँ पे आ जाता है जख्मी हालत में, पट्टियाँ बंधी होती हैं उसको। उसे बदन कर सकते, निकालो 30,000 रुपया। जलील, मुझे सब कुछ मालूम हो गया, आज मैं तेरा सर कुचल दूंगा, आज के बाद तू किसी शरीफ घराने में नकद नहीं लगा सकता। तो ये मोहम्मद अली को गोली मारने लगता है, नदीम भी आता है, वो गोली नदीम को ला जाती है और जो आलिया होती है वो असल प्रेस को गोलियां मार देती है। अब तुम्हारी आएगी। ऐसे ये फिल्म अपने अख्ताम को पहुंचती है, नदीम भी मार जाता है असलम प्रेज भी, और आलिया उसको मार देती है, नदीम को असलम प्रेज मारता है और आलिया जो है वो असलम प्रेज को मार देती है। तो नाज़रीन, बहुत दिलचस्प फिल्म थी, अच्छी स्टोरी थी, इसके गाने बहुत अच्छे थे, मुजीब आलम साहब के, मेहदीसन साहब के, नूरजहाँ साहबा के, माला साहब के और अहमद रिश्ते साहब के, जो घरेलू फिल्म बनाते थे, रोमांटिक फिल्म बनाया करते थे, वो रोमांटिक फिल्म के तो बादशाह थे शबाब करानी साहब, उनसे अच्छी कोई भी रोमांटिक फिल्म या नगमाती फिल्म कोई भी नहीं बना सकता। नाज़रीन, ये था फिल्म दामन और चिंगारी का रिव्यू, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। सहेली तेरा बाकपन लुट गया, आईना तोड़ दे, हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा।